तो भाई यहाँ पे हो गया 20 का नुकसान। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो डोरी है जड़ से उखड़ गई, इसको कैसे ठीक करते हैं। और एक और है मेरे पास यहाँ पर, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने गाइस पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए अब जो इसकी रबड़ है इसको पिघला देंगे मोमबत्ती के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करते रहेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो इन दोनों को आपको बाहर निकाल देना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे हमने इनको बाहर निकाल लिया है और अब आप लोग देख सकते हो इसकी सोल्डरिंग हम यहाँ से हटा देंगे। वायर इसके बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं, प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे। इसकी बॉडी यहाँ पे माइनस की होती है, इसके जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे प्लस के होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसकी सोल्डरिंग कर देंगे, प्लस वाले प्लस पे जोड़ देंगे, माइनस वाले यहाँ पे माइनस पे जोड़ देंगे कुछ इस टाइप से। तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ 2 मीटर डोरी, आप 4 मीटर 5 मीटर जितनी भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए जो ब्लैक वाला वायर है आपको कर देना इसकी बॉडी से कनेक्ट, जो माइनस वाला है हमारा, और जो प्लस वाला है रेड वाला उसको कर देना आपको यहाँ पे दो बीच के पॉइंट थे उन पर कनेक्ट। यहाँ पे देखिए माइनस वाला हमने कर दिया बॉडी से कनेक्ट, यानी ब्लैक वाला और रेड वाला कर दिया बीच में से कनेक्ट। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं लेकर एम सील, और भाई इसमें निकलती है 2 कलर की टूप, और आपको इनको ऐसी थोड़ी थोड़ी लेना है और इसको बराबर इसमें यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने इनको मिला लिया है लगभग, और अब जो इसकी जो बॉडी है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे एम सील को आपको अच्छे से इसमें लगा देना, जो ये वायर है ना लाल वाला काले वाला आपस में टच नहीं होनी चाहिए, इनमें गैप होना चाहिए। अगर आपस में टच हो गए फिर भी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वायर है इसको जोड़ दिया काफ़ी अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा एम सील है साइड साइड की इसको काट लें, क्योंकि फ्रेंड जब हम इसको ड्रिल मशीन वगैरह कनेक्टर में लगाएंगे, फीमेल सॉकेट में लगाएंगे, तो यहाँ पे अट जाएगी एम सील। तो हमने एक्स्ट्रा एम सील काट लिया यहाँ पर, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए देखिए घंटे के लिए छोड़ दिया हमने, और देख क्या मस्त क्या हैवी हो चुकी है, आवाज़ आपको आ गई होगी। अब जो इसके हम प्लस के वाला प्लस पे और माइनस वाला माइनस के जोड़ देंगे, ये बैटरी के वायर है, आप 12 वोल्ट के अडेप्टर से भी इसको जोड़ के चला सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, और अब जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूँगा फिर देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एकदम चलने की शुरू हो गई, यहाँ पे देख क्या मस्त तरीके से चल रही है। तो चल इसको चलने रहने देती है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या मस्त तरीके से ड्रिल मशीन हमारी चल रही है और बिल्कुल भी नहीं हिल रही। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।